गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, जिसका कल हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया था। आज है सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने भौतिक राशियों के बारे में बात की थी कि राशियां कितनी प्रकार की होती है। उसके बाद भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े, उसके बाद में मात्रक पढ़े, मात्रकों के प्रकार और मात्रक पद्धतियों के बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायमेंशंस विमाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको कंपटीशन में भी को एक या दो क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे और ये 11th क्लास की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, अर्थात ये विमा होती क्या है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि कोई भी जो व्युत्पन्न राशि होती है ना, उसको आप पहले तो ये देखोगे कि ये किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो मूल राशियां कितनी बार आ रही है। तो विमा का मतलब क्या है कि कोई भी जो व्युत्पन्न राशि है, पहले तो आप ये देखोगे कि इसमें कौन कौन सी मूल राशियां हैं, भाई ये किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। और उसके बाद आप ये देखोगे कि ये जिन जिन मूल राशियों से ये मिलकर बनी है, उनकी पावर क्या है या वो कितनी बार काम में आती है। तो यानी उसकी आपको देखनी है पावर, और ये जो पावर होती है वही कहलाती है विमा डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब है कि आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि दी गई है, वो पहले तो आप ये देखोगे कि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है, उसके बाद आप ये देखोगे कि वो मूल राशियां कितनी बार काम में आ रही है। तो जो उनकी पावर होती है ना, वही क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। अब आपको पता है कि फिजिक्स में मूल राशियां कितनी होती है, सात होती है। तो कोई भी जो व्युत्पन्न राशि होगी वो डेफिनेट इन सात राशियों से ही तो मिलकर बनी होगी ना। तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन कि कौन कौन सी मूल राशियों से मिलकर बनी है, कितनी बार बनी है, तो सात से ही तो मिलकर बन सकती है ना। तो मैं यहाँ सात तो मूल राशियां लिख रहा हूँ और उनके मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ द्रव्यमान की, जिसको इंग्लिश में आप मास बोलते हो। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो आपको इस प्रकार लिखना है कि कैपिटल एम बड़ा कोष्टक और इसकी पावर पी। पी यहाँ क्या बता रही है, पी यहाँ पावर को बता रही है कि आपके पास जो भी राशि है उसमें जो द्रव्यमान है वो कितनी बार है। अगर एक बार है तो आप एम की पावर कितनी लिख दोगे, एक लिख दोगे। दो बार है तो कितना लिख दोगे, दो लिख दोगे। उसी प्रकार अगर पावर माइनस वन है तो आप एम की पावर क्या लिख दोगे, माइनस वन। यानी कहीं भी द्रव्यमान का नाम आए और पूछा जाए कि इसकी डायमेंशन बताओ, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, कैपिटल एम लिखोगे, उसको बड़े कोष्टक में बंद करोगे और उसके ऊपर पावर लगा दोगे कि कितनी बार ये काम में आया है। नेक्स्ट सेकेंड क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई के लिए आप क्या लिखोगे, जिस प्रकार मास के लिए आपने कैपिटल एम लिखा, तो लंबाई के लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल एल, और इसकी पावर आप कितनी लगा दोगे, पी। पी यहाँ क्या बता रही है, पावर की, यानी आपके पास जो राशि है उसमें लंबाई कितनी बार काम में आई है। उसके बाद मैं समय की बात करता हूं, तो समय के लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल टी की पावर पी। उसके बाद मैं बात करता हूँ विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, तो आप इसमें लिखोगे ए की पावर पी। यहाँ पे जो ए है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है एम्पियर को। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। इसके बाद अगर मैं ताप की बात करूं, तो जो ताप का मात्रक होता है वो केल्विन होता है, तो आप लिखोगे के की पावर पी। यहाँ पे के किसको बता रहा है, केल्विन को। पी किसको बता रहा है, पावर को। उसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता को लास्ट लेक्चर में मैंने मात्रक बताया था, क्या था, कैंडेला, तो आप लिखोगे सीडी, सीडी की पावर पी। सीडी का मतलब क्या है, कैंडेला। और आखिर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। तो जो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मैंने क्या बताया था, मोल, तो मोल की पावर क्या आ जाएगा, पी। यानी आपको अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो आपको इन सात राशियों की जरूरत पड़ेगी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता। आप किस प्रकार लिखोगे, मैंने बता दिया कि आप इनमें से जो भी राशि आए आप उसको कैपिटल अक्षरों में लिखोगे और बड़े कोष्टक में बंद करोगे, और वो कितनी बार आ रही है वो आप उसके साथ में क्या लिख दोगे, पावर लिख दोगे। तो ये होती है डायमेंशन। अब देखिए, डायमेंशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इससे रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी जैसे कोण हो, ठोस कोण हो, इनकी कोई विमा नहीं होती।
मैंने क्या कहा कि कोई भी जैसे कोण है, कोई एंगल है, सॉलिड एंगल है, जैसे आपको दे दिया जाए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ई की पावर एक्स, ई की पावर टू एक्स, और पूछा जाए कि बताइए इनकी विमा क्या होगी। क्वेश्चन क्या आ जाए, मान लो एग्जाम में आपको दे दिया जाए साइन थीटा और पूछा जाए कि बताइए इस भौतिक राशि की विमा, बताइए भाई साइन थीटा की विमा बताओ, टेन थीटा की बताओ, ई की पावर एक्स की बताओ। तो आप ध्यान रखना कि जो कोण होते हैं, ठोस कोण होते हैं, ई के जो भी फंक्शन होते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर आपको जैसे ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो एक ऑप्शन आएगा विमाहीन, या विमाहीन का मतलब होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 क्यों लिखा। तो ये जो एंगल है, जो कोई भी एंगल होगा, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, e की पावर x, e की पावर 2x, ये विमाहीन होते हैं, अर्थात इनका इनकी कोई विमा नहीं होती। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी विमाहीन नाम आए ना, तो वहां इसका मतलब ये है कि m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर आपको 0 लिखना है। कभी भी फिजिक्स में अगर विमाहीन आ जाए और पूछा जाए, जैसे पूछ लिया कि साइन थीटा की विमा बताओ, तो साइन थीटा की विमा आप कैसे लिखोगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है यहाँ द्रव्यमान, L का मतलब यहाँ क्या है लंबाई, और T का मतलब यहाँ क्या है समय। ये क्या बता रहा है कि आपके पास जो राशि है उसमें द्रव्यमान कितनी बार है ही नहीं, मतलब 0 बार है, लंबाई है क्या नहीं है, और टाइम है क्या नहीं है। तो एम जीरो एल जीरो टी की पावर 0। तो जब भी विमा ही नाम आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अब दूसरी बात मैं करता हूं, जैसे भी कोई न्यूमेरिकल संख्या हो, जैसे कोई आंकिक संख्या दी हुई हो, तो उसकी कोई विमा नहीं होती। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो एम और वी इन दोनों की तो विमाएं होगी, लेकिन जो आपको ये हाफ दिख रहा है ना, इसकी किसी भी प्रकार की कोई विमा नहीं होती, ये विमाहीन होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आपके पास कोई भी आंकिक संख्या है तो उसकी विमा नहीं होगी। तो पहला पॉइंट तो कोण, ठोस कोण की कोई विमा नहीं होती, दूसरी आंकिक संख्या की कोई विमा नहीं होती। और तीसरा पॉइंट देखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आप डायमेंशन लिखो ना, तो उसमें जो आप मूल राशि ले रहे हो ना, उनको हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। जैसे मास ले रहे हो तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि m की पावर p, उसी प्रकार लेंथ है तो आप इस प्रकार नहीं लिखोगे। तो इनको लिखने का सही तरीका क्या है कि आप इनको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। किन में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में। तो यह सही है और ये क्या है गलत है, अर्थात डायमेंशन लिखते वक्त जो भी आपकी जो मूल राशियां हैं वो आप हमेशा कौन से लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। जैसे अगर आपने ये कहीं लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर मैंने तो सही लिखा था, बट मेरे मार्क्स कैसे कट गए, क्योंकि यहाँ पे नियम है कि जो अक्षर होंगे वो हमेशा किस लेटर्स में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में। अब चौथा जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसी भी भौतिक राशि का, तो वो फॉर्मूला होता है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये किसी भी मूल, किसी भी भौतिक राशि का क्या है, ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है, तरीका है। यहाँ पे देखो, आप जानते हो कल ही मैंने आपको MLT से इंट्रोड्यूस करवाया था, m का मतलब क्या है द्रव्यमान, l का मतलब क्या है लंबाई, और t का मतलब यहाँ पे क्या है समय। एम क्या हो गया द्रव्यमान, एल क्या है लंबाई, और टी क्या है समय, और ए बी और सी क्या है, ए बी और सी घात है, किसकी घात है, यह है द्रव्यमान, लंबाई और समय की। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि आपके पास जो भी राशि है कोई भी, जैसे उस राशि में द्रव्यमान, लंबाई और समय कितनी बार है, तो ए बी सी इनकी क्या बताएगी, पावर को बताएगी। तो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला, अब नेक्स्ट बात आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखो ना, तो उसको आप हमेशा बड़े कोष्टक में बंद करना ना भूले। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, तो देखो ये गलत हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है कि आप
कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखो तो हमेशा सबसे पहले उसको बड़े कोष्टक में बंद करना जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि जो कोष्टक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बड़ा कोष्टक होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आप जो भी मूल राशियां लिख रहे हो ना वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एम एल टी लिखा हुआ है तो देखो तीनों ही कैपिटल है ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते भाई कि एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, ये गलत हो जाएगा। तो दो तरीके हैं कि कोष्टक बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात इसके अंदर आप जो भी राशियां लिख रहे हो वो हमेशा कौन से लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। तो ये है डायमेंशंस लिखने के तरीके, ये इसका फॉर्मूला। अब हम आपको इसके एग्जांपल से रूबरू करवाते हैं कि देखिए किस प्रकार आपको डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूलाज, डायमेंशन फॉर्मूला हिंदी में बोला जाता है वीमीय सूत्र। यहाँ से डेफिनेट आपको एक दो क्वेश्चन कंपटीशन लाइन में भी मिल जाएंगे और ये हर जगह काम आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। 12th क्लास में भी आपको बहुत सी राशियां दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ क्षेत्रफल। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए एक और बेसिक कंडीशन रिक्वायरमेंट है कि आपको इनकी फॉर्मूलाज आना चाहिए। इसके अलावा आप इनके डायमेंशन फॉर्मूला इसके बिना नहीं लिख सकते। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और दूसरी चीज ये है, आप ये ध्यान रखोगे कि आप जिस भी राशि का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो ना तो उसको आप जितना डिवाइड कर सकते हो ना, जितना तोड़ सकते हो ना उतना तोड़ो। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का तो बेसिक फॉर्मूला यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मैंने क्या कहा था कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। वैसे ये फॉर्मूला आगे भी होता है बट 90% हमारे इस फॉर्मूले से लगभग सारे डायमेंशन फॉर्मूला डेवलप हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं उनको मैं आगे बता दूंगा कि किस प्रकार लिखना है। और आप हमेशा जैसे क्षेत्रफल का लिख रहे हो तो मैंने क्या कहा था कि जिसका भी लिख रहे हो उसको कैपिटल लेटर्स में लिखो। और क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से यानी एरिया से। तो किसी भी भौतिक राशि का आप वीमीय सूत्र लिखो तो सबसे पहले उसको लिख लो और उसको हमेशा कौन से कोष्टक में लिखोगे, बड़े कोष्टक में। अब फॉर्मूला क्या कहता है, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि एम तो क्या है, मास है, एल क्या है, लेंथ है और टी क्या है, टाइम है। अब देखिए और ए बी और सी क्या है, पावर का मतलब कि मास कितनी बार है, लेंथ कितनी बार है और टाइम कितनी बार है। अब चलो फॉर्मूले के ऊपर, तो मुझे बताओ फॉर्मूले में मास कितनी बार है, मतलब द्रव्यमान इस फॉर्मूले में कितनी बार है। क्या आपको लंबाई इंटू चौड़ाई में कहीं भी द्रव्यमान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या भाई, यहाँ द्रव्यमान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, जीरो। अगर दिखाई देता जैसे एक बार दिखता दो बार दिखता तो आप लिख देते एक या दो, बट नहीं दे रहा है तो आपने कितना लिख दिया, जीरो। और दिखाई दे रहा है का मतलब ये जो द्रव्यमान है वो कोई भूत भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं है। दिखाई देने का मतलब है यहाँ जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें अगर द्रव्यमान गुणा में या भाग में लिखा हुआ है तभी यहाँ आप एक का मान लिखोगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कितना लिख दोगे, जीरो। अब दूसरी बात, क्या मुझे लेंथ लंबाई दिख रही है, दिख रही है। कितनी बार दिख रही है, एक बार या दो बार, दो बार। कैसे, क्योंकि आप लंबाई को भी तो मीटर में ही मेजर करते हो भाई, चौड़ाई को भी किस में मेजर करते हो, मीटर में। तो दोनों ही किस में मेजर होते हैं, मीटर में। तो इसका मतलब चौड़ाई भी एक तरीके से क्या है, लंबाई तो है। तो आपको लंबाई दिख रही है, कितनी बार दिख रही है, एक और एक, कितनी बार दिख रही है, दो बार। तो बी का मान कितना हो जाएगा, दो। तीसरी बात, टी यहाँ पे क्या है, टाइम है, समय है। तो बताइए समय कितनी बार दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, समय लिखा हुआ नहीं, मुझे तो लंबाई इंटू चौड़ाई दिख रहा है और शायद आपको भी यही दिख रहा है, मतलब टाइम नहीं दिख रहा। तो सी का मान आप कितना लिखोगे, जीरो। अब ये मान आप क्या करोगे, इक्वेशन एक में पुट करोगे तो बताइए जो एक का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, एम की पावर ए का मान कितना है, जीरो। एल की पावर बी, बी का मान कितना है, टू। और टी की पावर सी, सी का मान कितना है, जीरो। तो क्या आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, N0, L2, T0। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एरिया का, क्षेत्रफल का। तो किसी भी भौतिक राशि का जब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हो तो इस प्रकार का आपको मेथड क्या करना है, अप्लाई करना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा,
तो आप मेरे हिसाब से आराम से बता सकते हैं आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से रिप्रेजेंट करते हो। और मैंने क्या कहा था, इनका फॉर्मूला, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब मुझे बताओ फॉर्मूले का, तो वही फॉर्मूला कि एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। एम क्या है, द्रव्यमान, एल क्या है, लंबाई, और टी क्या है, समय। ए बी सी क्या है, इनकी पावर है। अब मुझे बताओ इसमें आपको द्रव्यमान कितनी बार दिख रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, या दिख ही नहीं रहा भाई? द्रव्यमान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो नहीं दे रहा। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो बताओ यहाँ कहीं भी द्रव्यमान दिख रहा है गुणा या भाग में? नहीं दिख रहा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरी बात, लेंथ, लंबाई दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। कितनी बार दिख रही है? देखो लंबाई इंटू चौड़ाई में लंबाई आपको कितनी बार दिख रही थी, दो बार, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में आपको लंबाई कितनी बार दिखेगी, तीन बार। अरे भाई ये तीनों एक ही चीज है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है, तीनों का मात्रक भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, थ्री। क्या टाइम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो सी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। अब इसका मान आप इक्वेशन, इसको कुछ इक्वेशन दे दो, जैसे इसको वन दे दो और इसको टू दे दो, तो आप टू का मान आप इक्वेशन वन में पुट करो, तो देखिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, एम की पावर जीरो, एल की पावर थ्री और टी की पावर क्या आ गया, जीरो। दूसरी बात, डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखोगे, और जो लेटर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। तो ये तो था क्षेत्रफल का डायमेंशन फॉर्मूला, ये था आयतन का डायमेंशन फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम बात करते हैं घनत्व की। देखो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या फॉर्मूला है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान, आयतन को आप क्या लिख सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो भी फॉर्मूला होता है उसको आप जितना ब्रेक कर सकते हो ना उतना ब्रेक करो। तो आयतन को आप क्या लिख सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखिए इनको इस प्रकार भी तो लिखा जा सकता है, द्रव्यमान इंटू लंबाई इनवर्स इंटू चौड़ाई इनवर्स इंटू ऊंचाई इनवर्स। बताओ लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? इनको आप ऊपर लेकर गए तो किसका साइन आ गया, इनवर्स का साइन आ गया। अब देखिए फॉर्मूला, घनत्व को आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, डेंसिटी। तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। यहाँ पे एम क्या है, द्रव्यमान, एल क्या है, लंबाई और टी क्या है, समय। अब मुझे बताओ इसमें द्रव्यमान आपको कितनी बार दिख रहा है, देखो एक बार दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ए का मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। दूसरी बात, आपको लेंथ कितनी बार दिख रही है, लेंथ देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन बार दिख रही है, बट देखो साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो बी का मान कितना आ जाएगा, -3। अगर यहाँ पर केवल लंबाई इनवर्स होता तो आप बी का मान कितना लिखते, -1। अब मुझे बताओ इसमें आपको कहीं टाइम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो सी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये सब मान आप इस क्वेश्चन में पुट कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम की पावर 1, एल की पावर -3 और टी की पावर क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया घनत्व का, डेंसिटी का। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, या क्या होता है, लंबाई बटा समय। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, लंबाई इंटू समय इनवर्स, यस और नो? अब फॉर्मूला, वेग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से, तो v बड़े कोष्ठक में आप इसको बंद कर दो, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। अब देखो इसमें आपको द्रव्यमान कितनी बार दिख रहा है, क्या द्रव्यमान लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एक का मान कितना हो जाएगा, जीरो। लंबाई दिख रही है, हाँ दिख रही है, कितनी बार दिख रही है, एक ही बार तो लंबाई लिखी हुई है ना, तो बी का मान कितना हो जाएगा, वन। समय दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है, -1 बार, तो सी का मान कितना आ जाएगा, -1। तो आप इन सब का मान इस इक्वेशन में पुट करो तो एम जीरो, एल वन, टी -1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया वेग का। हम आगे बढ़ते हैं, वेग के बाद हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय।
तो आप या तो अगर आपको वेकर डायमेंशन फॉर्मूला याद है तो आप वेकर डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, और अगर नहीं याद है तो वही तरीका अपनाओ। वे को क्या लिख सकते हो, लंबाई बटा समय, और एक समय पहले से है तो लंबाई बटा समय स्क्वायर। तो आप देखो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हो, लंबाई इंटू समय इनवर्स इंटू समय इनवर्स। तो अब देखिए अब वही फॉर्मूला कि एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, और त्वरण को एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये को आप बड़े कोष्ठक पे बंद कर दीजिए। अब देखिए इसमें आपको द्रव्यमान कितनी बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक का मान कितना हो जाएगा जीरो। लेंथ कितनी बार दिख रही है, एक बार, तो बी का मान कितना हो जाएगा वन। और समय कितनी बार दिख रहा है, दो बार, किस में, प्लस में या माइनस में, माइनस में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं स्वयं की। स्वयं क्या होता है, स्वयं का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब वेग को आप डिवाइड कर दो, द्रव्यमान इंटू लंबाई बट्टा समय। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, द्रव्यमान कितनी बार है, एक बार, तो m की पावर कितनी आ जाएगी वन। लंबाई कितनी बार है, एक बार, तो l की पावर कितनी आ जाएगी वन। और समय कितनी बार है, माइनस एक बार, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, समय इनवर्स। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया स्वयं का। अब हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं, बल फोर्स, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 12th क्लास की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और 11th की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण, ठीक है। अब देखो त्वरण को आप क्या लिख सकते हो, मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो भी फॉर्मूले हैं उनको आप ब्रेक कर लो। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, और वेग को मैं क्या लिख सकता हूँ, लंबाई बटा समय, तो लंबाई बटा समय इंटू समय, इसको क्या लिखा जा सकता है, द्रव्यमान इंटू लंबाई इंटू समय इनवर्स इंटू समय इनवर्स। अब फॉर्मूला m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, बताओ द्रव्यमान कितनी बार है, a की बार तो है, तो m की पावर कितनी आ जाएगी वन। लंबाई कितनी बार है, a की बार है, तो l की पावर वन, और t का पावर कितना आ जाएगा, देखो माइनस वन, और माइनस वन कितने हो गए, माइनस टू। एम वन एल वन टी माइनस टू, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया डायमेंशन का। और मैं आपको कहूंगा यहाँ पे कि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर पूछा जाए कि बल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बताओगे एम वन एल वन टी माइनस टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, बल का। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कार्य, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, क्या होता है कार्य, बल इंटू विस्थापन। तो अब मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और विस्थापन क्या है, एक लेंथ ही तो है, तो एल, और कितनी बार है लंबाई, एक बार, तो एल वन। तो आप देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, एम वन एल टू टी माइनस टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कार्य का। और आपने छोटे क्लास में पढ़ा है कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के, तो ऊर्जा का फॉर्मूला भी क्या होगा, यही होगा m1 l2 t-2। और ऊर्जा आपको पता है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा चाहे कोई सी हो, इन दोनों ही ऊर्जाओं का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा m1 l2 t-2। तो बल का तो होता है m1 l1 t-2, और ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सबका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m1 l2 t-2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कार्य और ऊर्जा का। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला है आवेग का। तो देखिए आवेग क्या होता है, आवेग होता है बल इनटू समय, क्या होता है, बल इनटू समय। तो बल का आपने अभी अभी फॉर्मूला निकाला था m1 l1 t माइनस टू, और समय का डायमेंशन क्या होता है, समय देखो कितनी, समय के डायमेंशन को तो आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हो, और कितनी बार लिखा हुआ है, समय एक बार, तो t की पावर 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आवेग का। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दाब का। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का फॉर्मूला आपने अभी अभी निकाला है m1 l1 t माइनस टू, यही होता है, अपॉन क्षेत्रफल का क्या होता है, l
की पावर 2, क्योंकि क्षेत्रफल को आप क्या लिखते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए मास है क्या, नहीं है, तो m की पावर तो 0, लंबाई है कितनी बार है, 2 बार, तो l की पावर 2, और टाइम है क्या, नहीं है, तो t की पावर क्या हो गई, 0। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम वन एल टू पर जाएगा तो एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये किसका फॉर्मूला आ गया, दाब का। और आपको पता है प्रतिबल भी क्या होता है, प्रतिबल भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब और प्रतिबल दोनों का ही क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कोण की, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी डायमेंशन फॉर्मूला, कि बताइए कोण का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या, क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अब मुझे बताओ भाई चाप है तो चाप जैसे आप सेंटीमीटर में ही तो काटोगे ना भाई, कोई भी चाप काटते हो आप जैसे सर्किल पे चाप काट रहे हो तो किस में काटोगे, सेंटीमीटर में। उसी प्रकार त्रिज्या है वो भी किस में होगी, मीटर और सेंटीमीटर में। जैसे मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप काटा और त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो देखो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ यहाँ जो रिजल्ट आया वो तो क्या आई, एक न्यूमेरिकल संख्या, जैसे यहाँ आया 1/2, तो 1/2 क्या है, एक संख्या है। और मैंने क्या कहा था कि संख्या का किसी भी प्रकार की कोई विनिमा नहीं होती, उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो बताओ कोण का डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या, नहीं होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि कोई भी जिस भी राशि का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है उसको आपको लिखने का तरीका क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी ए बी सी ऐसे ही तो लिखते हो। अब मुझे बताओ इसमें कहीं आपको मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेंथ दिख रही है, नहीं दिख रहा, टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका आप फॉर्मूला हमेशा कैसे लिखोगे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कोण का डायमेंशन फॉर्मूला, कोण में कोई भी हो सकता है, जैसे साइन थीटा है, टेन थीटा है, कोस थीटा है, कोई भी देखिए पूछ ले कि बताइए साइन थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे कि साइन थीटा विमाहीन है, अर्थात इसका किसी भी प्रकार का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और जो भी विमाहीन राशियां हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकृति की, विकृति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। अब मुझे बताओ लंबाई में परिवर्तन, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई वायर था 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, फिर आपने उसको खींच के 7 सेंटीमीटर का कर दिया। अब मुझे बताओ देखो ऊपर क्या लिखा, लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन कितना था, 5 से आपने कितना कर दिया, 7, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर अपॉन प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक न्यूमेरिकल संख्या आ रही है, एक आंकिक संख्या आ रही है, और मैंने क्या कहा था, आंकिक संख्या का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर मैं पूछूं कि विकृति का डायमेंशन फॉर्मूला, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो याद रखना कोण और विकृति का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और जिस भी राशि का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता उसका आपको आंसर इस प्रकार देना है, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। नेक्स्ट है यंग गुणांक, काफी इंपॉर्टेंट है यंग गुणांक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबल बट्टा विकृति, प्रतिबल बट्टा विकृति। अब आपको पता है विकृति का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो यंग गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबल के, और प्रतिबल किसके बराबर होता है, दाब के, और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, और बल का फॉर्मूला होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, और क्षेत्रफल का कितना होता है, एल टू। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किन किन का विमीय सूत्र समान है, तो यंग गुणांक, प्रतिबल, दाब, इन सब का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले की, वो होता है जैसे आवृत्ति, जिसको आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो, और आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/ आवर्तकाल, और आवर्तकाल क्या होता है, टाइम होता है, तो यहां से क्या आ गया, टी इनवर्स आ गया। अब मुझे बताओ इसमें आपको मास दिख रहा है क्या कहीं, भाई आवर्तकाल समय होता है तो मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एम की पावर 0, लंबाई दिख रही है, नहीं दिख रही, तो एल की पावर 0, और समय दिख रहा है बट ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, तो टी की पावर माइनस वन। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आवर्ती का, टी की पावर माइनस वन। अब हम बात करते हैं प्लांक नियतांक की,
ये भी काफी इम्पोर्टेंट। अब हम कुछ नियतांकों की बात करेंगे जिनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लांक नियतांक, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आता कहाँ से है? ये आता है ई बराबर एच न्यू से। यहां से अगर मैं पूछूं कि बताइए एच का मान क्या होगा, तो क्या एच का मान ई अपॉन न्यू नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पे ई क्या है? ऊर्जा, और न्यू क्या है? आवर्ती। अब मुझे बताओ ऊर्जा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? m1 l2 t-2, और आवर्ती का आपने अभी भी पढ़ा है क्या है? t-1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? m1 l2, ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, तो t-1। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया प्लांक नियतांक का, m1 l2 t-1। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक की। तो गुरुत्वीय नियतांक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हैं ना, हम 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, बट आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, आप टेंशन ना ले। यहां से जो g होता है उसको आप गुरुत्वीय नियतांक बोलते हो, तो g क्या हो गया? f * r स्क्वायर अपॉन m1 * m2। अब मुझे बताओ f क्या है? बल है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t-2। आर क्या है? लंबाई, कितनी बार है? दो बार, तो एल की पावर क्या हो गई? 2। मैं सीधा स्क्वायर की पावर 2 क्यों लिख रहा हूँ? वो इसलिए लिख रहा हूँ कि ये क्या है? लंबाई का स्क्वायर है। अब मुझे बताओ इसमें मास है क्या? नहीं है, तो एम की पावर 0। लंबाई है, कितनी बार है? 2 बार। टाइम है, नहीं है, तो टी की पावर 0। इसलिए मैं इसको सीधा क्या लिख रहा हूँ? L2। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे साथ में लिख सकते हो m0 l2 t0, उससे m0 से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और दूसरे नीचे क्या है? m1 into m2। m क्या होता है? मास, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितनी बार है? 2 बार, तो m की पावर कितनी आ गई? 2। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव का, तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये किसका मान आ गया? गुरुत्वीय नियतांक का। इस g को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गुरुत्वीय नियतांक। नेक्स्ट देखे डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट है स्टीफन नियतांक। स्टीफन कॉन्स्टेंट, जिसको बोला जाता है स्टीफन नियतांक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। और जो यहाँ पे आपको सिग्मा दिख रहा है ना, वो है स्टीफन नियतांक। तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा? E अपॉन टी की पावर 4। बताओ यही आएगा? E अपॉन टी की पावर 4। यहाँ पे जो E है वो है ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल इनटू समय और टी की पावर 4। क्या है फॉर्मूला? कि ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल इनटू समय इनटू टी की पावर 4। अब आप ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2। क्षेत्रफल का क्या होता है? l2। समय का क्या होता है? t1। और ये क्या है? तापमान है, तो टी की पावर क्या आ गया? 4 आ गया। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो m1 l2 से L2 cancel out, और T का मान -2 -1 -3, और K की पावर क्या आ गया? -4। तो ये आ गया स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आवेश, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है। तो आवेश होता क्या है? तो छोटी क्लासों में आपने धारा पढ़ी होगी। धारा क्या होती है? कि आवेश में परिवर्तन की दर, अर्थात धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। अब यहां से अगर मैं आवेश निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? धारा इनटू समय। अब देखो आपके पास पहला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कुछ आपको एक अलग राशि मिली है। अब तक जो भी फॉर्मूले थे उसमें आपको द्रव्यमान, लंबाई और समय दिख रहा था, बट अब आपको क्या दिख रही है? धारा दिख रही है। तो बस तरीका वही है, जैसे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, और धारा को मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया था? कैपिटल A, a की पावर आप क्या लिख लो? d लिख लो। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले में आपको मास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो m की पावर क्या आ गया? 0। लेंथ दिख रही है,
नहीं दिख रही, तो एल की पावर जीरो। टाइम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कितनी बार, एक बार, तो टी की पावर वन। और आपको धारा दिख रही है, एम्पियर दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है, वन बार। धारा कितनी बार लिखी हुई, एक बार, तो की पावर कितनी आ गई, वन। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, ए वन टी वन। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आवेश का। तो आप टेंशन ना ले, अगर एम एल टी की फॉर्म में आपका फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई भी मूल राशियां आती है ना, तो उनको आप एड करते जाओ। जैसे ए के अलावा अगर ताप आ गया, तो यहाँ ताप को किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे, तो के की पावर ई लिख दो। अगर मोल आ गया तो मोल की पावर एफ लिख दो। और अगर सीटी आ गया तो उसकी पावर क्या लिख दो, जी लिख दो। तो ये है डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका। तो ये था आवेश का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आवेश के बाद विद्युत क्षेत्र की, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, एफ बराबर, सॉरी, एफ बराबर होता है क्यू ई। तो यहां से ई क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू। तो बताइए बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और क्यू का आपने अभी अभी निकाला है ए वन टी वन। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, ये ऊपर चला जाएगा, तो टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का। अब अगर मैं विभव का फॉर्मूला पूछूं, तो विभव क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W क्या है, कार्य, ये कार्य का फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू। और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन टी वन। तो आप इसको सोल्व कर लो, तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, विभव का मिल जाएगा। अगर मैं आपको द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पूछूं, तो द्विध्रुव आघूर्ण का होता है क्यू इंटू टू ए, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, पी से। तो क्यू यहाँ पे क्या है, आवेश, तो ए वन टी वन। और टू ए यहाँ पे, टू का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, ए यहाँ पे क्या है, दूरी। तो क्या आ जाएगा, एल वन टी वन ए वन। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये थे आपके डायमेंशन फॉर्मूलाज। और भी अगर कोई राशियां बच गई है, तो उनको हम आगे के लेक्चर में, जैसे जैसे कोई भी हम नई भौतिक राशि पढ़ेंगे, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको वहां बता देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।